नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो एक बयान दिया है कि कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है उसमें गलत बयानी की गई है और गलत दर्शाया गया है। मैं उनसे सवाल करता हूं, क्या कश्मीर में लोगों को लाइन में खड़े करके 24-24 लोगों को मारा नहीं गया? क्या वहां पर नीलकंठ गंजू की हत्या नहीं हुई या टीकालाल टपलू को नहीं मारा गया? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ बलात्कार किया गया, वो कहानियां आज भी पुरानी अखबारों में दर्ज हैं। जहां तक आप बचना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं थी, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, पहले सरकारें आपकी रही, यहां पर हालात बिगाड़े गए और उसके बाद आप छोड़ कर के या सरकार को चले गए। इसकी सच की शायद आपको जानकारी नहीं है, आप उस वक्त राजनीति में भी नहीं थे, इसलिए सच को सच कहने की हिम्मत करिए। और कुल मिलाकर के इन लोगों का परिणाम जो एक कोशिश की गई है ये सारी फिल्म दर्शाने की, वो सत्य है और सत्य को लोगों ने पसंद किया है और बहुत से लोग, चाहे वो बॉलीवुड से थे या दूसरे लोग थे, इस फिल्म को फेल करने का प्रयास किया गया, लेकिन सच जनता के सामने आए, ये कश्मीर फाइल्स फिल्म एक माध्यम बना।